नमस्कार, आप देख रहे हैं केबीपीएन न्यूज। मैं हूं आपके साथ वैशाली वर्मा। आइए रुख करते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। हापुड़ पुलिस ने अवैध रूप से भारत सरकार और भारतीय जन औषधि परियोजना और कोविड 19 लिखी गाड़ी से करीब 130 पेटी अवैध शराब बरामद की है, जिसकी कीमत मार्केट में करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। ऐसा बताया जा रहा है कि पकड़े गए 5 शातिर तस्कर हरियाणा से भारत सरकार और जन औषधि परियोजना लिखी गाड़ी से अवैध शराब की तस्करी किया करते थे। वहीं तस्करों से 7 मोबाइल, 1 पिकअप गाड़ी, 1 महिंद्रा मेराजो और 130 पेटी अवैध शराब बरामद हुई है। शराब तस्कर पकड़े गए हैं, क्या इनसे बरामद हुआ है और क्या इन पर कार्रवाई की जा रही है? हापुड़ पुलिस निरंतर अवैध शराब की बिक्री को रोकने के लिए तैयारी कर रही है, कार्रवाई भी कर रही है, कई कार्रवाई हमने की। इसी क्रम में एक बढ़िया कार्य हापुड़ देहात पुलिस तथा एसओजी टीम भी उन्होंने मिलकर किया, संयुक्त टीम ने किया, जिसमें हमने 130 हरियाणा मादक की अंग्रेजी शराब पकड़ी, 2 गाड़ियाँ पकड़ी और 5 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया, जिसमें मेन अभियुक्त सुमित है, 2 ड्राइवर इसमें संभल के हैं जिनके नाम आलम और फहीम है तथा राजीव और जगमीत भी है। बेसिकली इनका काम यह था, जो पंचायती चुनाव आ रहा है उस दावे थे 29 को हापुड़ में, उसमें एक व्यक्ति है अजय, जो कि बाबूगढ़ थाना क्षेत्र का रहने वाला है, अजय गिल नाम है इसका, ये जिला पंचायत का चुनाव लड़ने वाला है ऐसा सुनने में आया, उसी के लिए इसने शराब मंगवाई थी हरियाणा से और उसकी ये बिक्री और ये जो सप्लाई है ये भाव में करता वोट पाने। फिलहाल अजय फरार है, बाकी 5 को लोगों ने गिरफ्तार किया। सर, बॉर्डर कैसे क्रॉस करते हैं? इनकी जो गाड़ी है, पिकअप गाड़ी है जिसके ये शराब ला रहे थे, इसके ऊपर इन्होंने लगा रखा है भारतीय जन औषधि परियोजना के स्टिकर और बैनर लगा रखे हैं। अपने आप को बताते थे कि ये कोविड वैक्सीन लेके जा रहे हैं, साथ ही साथ उन्होंने आयुष मंत्रालय के कुछ पास बना रखे थे, वो भी अवैध पास हैं, इलीगल है, फेक डॉक्यूमेंट्स। इन सारी धाराओं को बढ़ा के इनके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, कितनी पेटियाँ इनसे बरामद? 130 पेटी हैं अंग्रेजी शराब की, इसकी कीमत लगभग 10 लाख है। 2 गाड़ियाँ भी बरामद हुई हैं, 1 महिंद्रा मेरोज़ा कार है और दूसरा पिकअप गाड़ी। ठीक है, थैंक यू। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। अपने सुझाव कमेंट में देते रहिए। देखते रहिए केबीपीएन न्यूज़।